हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आशुतोष कुमार। आज हम बात करेंगे प्रभास की टॉप 5 अपकमिंग मूवीज के बारे में, जो हमें 2021-22-23 तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभास की पहली मूवी जिसका नाम है राधे श्याम, जो एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, जिसकी इनिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई 30 जुलाई 2021 को हमें देखने को मिल जाएगी डायरेक्ट सिनेमाघरों में, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी, यानी कि सभी लैंग्वेज में रिलीज होगी। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कनाडा, मलयालम, सारे लैंग्वेज में ये मूवी रिलीज होगी। तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर और इसके स्टार कास्ट के बारे में। राधे श्याम मूवी को डायरेक्ट किया है राधा कृष्ण कुमार ने, जो इस मूवी के राइटर भी हैं। इस मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास, जो कि विक्रम आदित्य का कैरेक्टर कर रहे हैं, साथ में उसके नजर आएंगी पूजा हेगड़े, जो प्रेरणा की एक्टिंग कर रही है, यानी कि प्रभास और पूजा हेगड़े इस मूवी में लीडिंग रोल में नजर आएंगे। प्रोडक्शन की बात करें तो यूवी क्रिएशन और टी सीरीज इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस मूवी की बजट 250 से 300 करोड़ के आसपास की ये मूवी बनने जा रही है। इस मूवी में 1970 के यूरोप को दिखाया गया है कि मतलब काफ़ी बजट की मूवी बनने जा रही है, क्योंकि 1970 के यूरोप को दिखाने की कोशिश की जा रही है इस मूवी में। तो देखते हैं मूवी कैसी बनेगी। तो 30 जुलाई 2021 को ये मूवी रिलीज हो रही है। प्रभास की दूसरी मूवी जिसका नाम है आदि पुरुष, जो रामायण से बनने जा रही है, ये काफ़ी बड़ी मतलब बिग बजट की मूवी बनने जा रही है। 400 से 500 करोड़ के आसपास की ये मूवी बनेगी। इस मूवी में प्रभास, जो कि श्री राम का कैरेक्टर करने वाले हैं, साथ में कीर्ति सनन, जो सीता कैरेक्टर करने वाली है, और सनी सिंह, जो राम यानी कि प्रभास के छोटे भाई मतलब राम के छोटे भाई लक्ष्मण का कैरेक्टर करने जा रहे हैं, साथ ही रावण का कैरेक्टर सैफ अली खान इस मूवी में करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ओम रावत जिन्होंने तानाजी को डायरेक्ट किया है, तो वही इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, यानी कि आदि पुरुष को ओम रावत डायरेक्ट करेंगे। तो देखते हैं ये मूवी कैसी बनती है, यानी कि 2.5 से 3 घंटे में हमें पूरी रामायण की स्टोरी देखने को मिल जाएगी, मतलब सीतारण से लेकर रावण वध तक की स्टोरी हमें देखने को मिल जाएगी, साथ ही सैफ अली खान जो कि रावण का कैरेक्टर करेंगे। तो देखते हैं ये मूवी कैसी बनेगी, जो हमें 2022 तक यानी कि एक साल और वेट करना पड़ेगा, 2022 में हमें देखने को मिल जाएगी। प्रभास की तीसरी अपकमिंग मूवी जिसका नाम है सलार, जो एक्शन थ्रिल मूवी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील ने इस मूवी को लिखा भी है, मतलब राइटर भी प्रशांत नील ही है और डायरेक्ट भी करेंगे प्रशांत नील जिन्होंने KGF जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है, KGF 2 जो 16 जुलाई को आ रही है, उस मूवी को भी डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। तो देखते हैं प्रभास के साथ कैसी मूवी बना रहे हैं। इस मूवी में प्रभास के साथ लीडिंग रोल में श्रुति हसन नजर आएंगी। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि KGF जैसी कलर मतलब पूरी रंगीन यानी कि कलरफुल मूवी नहीं रहेगी, थोड़ी डार्क टाइप की ये मूवी बनने जा रही है। तो देखते हैं ये मूवी कैसी बनती है। तो 14 अप्रैल 2022 तक ये मूवी हमें देखने को मिल जाएगी। प्रभास की फोर्थ अपकमिंग मूवी, जिस मूवी का अभी तक टाइटल मतलब फिक्स नहीं किया गया, नाग अश्विन इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, यानी कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने जा रही प्रभास की अपकमिंग मूवी, जो कि एक साइफाई मूवी है, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण प्रभास के साथ नजर आएंगे। तो ये मूवी काफ़ी बड़ी बनने जा रही है, मतलब साइफाई है, यानी कि लंबी बजट यानी कि बड़ी बजट की मूवी बनने जा रही है। 250 से 300 करोड़ इस मूवी की बजट है। तो देखते हैं ये मूवी कैसी बनेगी, अभी तक इसकी रिलीज डेट की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जब भी की जाएगी तो हम आपको जरूर अपडेट देंगे इसी चैनल पर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभास की फिफ्थ अपकमिंग मूवी जिसे डायरेक्ट करने वाले थे संदीप रेड्डी, अभी तक ये फिक्स नहीं हो पाई है कि फिफ्थ मूवी आएगी या नहीं आएगी। तो ये मूवी आएगी भी तो हमें 2023 तक देखने को मिल सकती है। संदीप रेड्डी जिन्होंने कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी यानी कि दोनों सीक्वल्स मूवी जिन्होंने दोनों मूवी को डायरेक्ट किया है, संदीप रेड्डी ने अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह को भी डायरेक्ट किया है, उन्हीं के साथ ये मूवी आने वाली थी, जिस मूवी का टाइटल अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो देखते हैं मूवी कब आती है। फिलहाल संदीप रेड्डी एनिमल मूवी यानी कि रणवीर कपूर के साथ शूटिंग कर रहे हैं एनिमल की, तो ये फिफ्थ मूवी अभी कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं, ये जब भी इसकी अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कैसी है, और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।